ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर सदगुरु साईनाथ महाराज की जय हो। हे साई, हे सदगुरु बाबा, आज श्री साई सचरित्र का अध्याय 27 का पठन होने जा रहा है। आपके श्री चरणों में कामना करता हूँ बाबा कि यह अध्याय सभी भक्तों के चित्त में उतरे और इससे सभी भक्तों को लाभ हो। आइए अध्याय 27 शुरू करते हैं। भागवत और विष्णु सहस्त्रनाम प्रदान कर अनुग्रहित करना, गीता रहस्य, दादा साहेब खारपड़े। इस अध्याय में बताया गया है कि श्री साईं बाबा ने किस प्रकार धार्मिक ग्रंथों को कर स्पर्श से पवित्र कर अपने भक्तों को परायण के लिए देकर अनुग्रहित किया तथा और भी अन्य कई घटनाओं का उल्लेख किया गया है। प्रारंभ, जनसाधारण का ऐसा विश्वास है कि समुद्र में स्नान कर लेने से ही समस्त तीर्थों तथा पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेने मात्र से तीनों शक्तियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश और पारब्रह्म को नमन करने का श्रेय सहज ही प्राप्त हो जाता है। श्री सच्चिदानंद साई महाराज की जय हो। वे तो भक्तों के लिए कल्पतरु, दया के सागर और आत्मानुभूति देने वाले हैं। हे साई, तुम अपनी कथाओं के शरण में मेरी श्रद्धा जागृत कर दो। घनघोर वर्षा ऋतु में जिस प्रकार चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की केवल एक बूंद का पान कर प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार अपनी कथाओं के सार सिंधु से प्रकटित एक जल का कण का सहस्त्रांश दे दो, जिससे पाठकों और श्रोताओं के हृदय तृप्त होकर प्रसन्नता से भरपूर हो जाएं, शरीर से स्वेद प्रवाहित होने लगे, आंसुओं से नेत्र परिपूर्ण हो जाएं, प्राण स्थिरता पाकर चित्त एकाग्र हो जाए और पल पल पर रोमांच हो उठे, ऐसा सात्विक भाव सभी में जागृत कर दो। पारस्परिक वैमनस्य तथा वर्ग अपवर्ग का भेद भाव नष्ट कर दो, जिससे वे तुम्हारी भक्ति में सिसकें, बिलखें और कंपित हो उठें। यदि ये सब भाव उत्पन्न होने लगे तो इसे गुरु कृपा के लक्षण जानो। इन भावों को अंतःकरण में उदित देखकर गुरु अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें आत्मानुभूति की ओर अग्रसर करेंगे। माया से मुक्त होने का एकमात्र सहज उपाय अनन्य भाव से केवल श्री साई बाबा की शरण जाना ही है। वेद वेदांत भी माया रूपी सागर से पार नहीं उतार सकते, यह कार्य तो केवल सद्गुरु द्वारा ही संभव है। समस्त प्राणियों और भूतों में ईश्वर दर्शन करने के योग बनाने की क्षमता केवल उन्हीं में है। आइए अब जानते हैं पवित्र ग्रंथों का प्रदान। गत अध्याय में बाबा की उपदेश शैली की नवीनता ज्ञात हो चुकी है। इस अध्याय में उसके केवल एक उदाहरण का ही वर्णन करेंगे। भक्तों को जिस ग्रंथ विशेष का पारायण करना होता था, उसे वे बाबा के कर कमलों में भेंट कर देते थे और यदि बाबा उसे अपने कर कमलों से स्पर्श कर लौटा देते थे तो वे उसे स्वीकार कर लेते थे। उनकी ऐसी भावना हो जाती थी कि ऐसे ग्रंथ का यदि नित्य पठन किया जाएगा तो बाबा सदैव उनके साथ ही होंगे। एक बार काका महाजनी श्री एकनाथी भागवत लेकर शिरडी आए। श्यामा ने यह ग्रंथ अध्ययन के लिए उनसे ले लिया और उसे लिए हुए वे मस्जिद पहुँचे। तब बाबा ने वह ग्रंथ श्यामा से ले लिया और उन्होंने उसे स्पर्श कर कुछ विशेष प्रश्नों को देखकर उसे संभाल कर रखने की आज्ञा देकर वापस लौटा दिया। श्यामा ने उन्हें बताया कि यह ग्रंथ तो काका साहेब का है और उन्हें इसे वापस लौटाना है। तब बाबा कहने लगे कि नहीं, ये ग्रंथ तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसे सावधानी से अपने पास रखो, यह तुम्हें अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। कुछ दिनों के पश्चात काका महाजनी पुनः श्री एकनाथी भागवत की दूसरी प्रति लेकर आए और बाबा के करकमलों में भेंट कर दी, जिसे बाबा ने प्रसाद स्वरूप लौटाकर उन्हें भी उसे सावधानी से संभाल कर रखने की आज्ञा दी। साथ ही बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया कि यह तुम्हें उत्तम स्थिति में पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। काका ने उन्हें प्रणाम कर उसे स्वीकार कर लिया। आगे पढ़ते श्यामा और विष्णु सहस्त्रनाम। श्यामा बाबा के अंतरंग भक्त
थे। इस कारण बाबा उन्हें एक विचित्र ढंग से विष्णु सहस्त्रनाम प्रसाद रूप में देने की कृपा करना चाहते थे। तभी एक रामदासी आकर कुछ दिन शिरडी में ठहरा। वह नित्य नियमानुसार प्रातःकाल उठता और हाथ मुंह धोने के पश्चात स्नान कर भगवा वस्त्र धारण करता तथा शरीर पर भस्म लगाकर विष्णु सहस्त्रनाम का जाप किया करता था और बहुधा इन्हीं ग्रंथों को ही पढ़ा करता था। कुछ दिनों के पश्चात बाबा ने श्यामा को भी विष्णु सहस्त्रनाम से परिचित कराने का विचार कर रामदासी को अपने समीप बुलाकर उससे कहा कि मेरे उदर में अत्यंत पीड़ा हो रही है और जब तक मैं सोनामुखी का सेवन ना करूँगा तब तक मेरा कष्ट दूर ना होगा। तब रामदासी ने अपना पाठ स्थगित कर दिया और वह औषधि लाने बाजार चला गया। उसी समय बाबा अपने आसन से उठे और जहाँ वह पाठ किया करता था वहाँ जाकर उन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम की वह पुस्तिका उठाई और पुनः अपने आसन पर विराजमान होकर श्यामा से कहने लगे कि यह पुस्तक अमूल्य और मनोवांछित फल देने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें इसे प्रदान करता हूँ ताकि तुम इसका नित्य पठन करो। एक बार जब मैं बहुत रुग्ण था तो मेरा हृदय धड़कने लगा, मेरे प्राण पखेरु उड़ना ही चाहते थे कि उसी समय मैंने इस सदग्रंथ को अपने हृदय पर रख लिया। कैसा सुख पहुँचाया इसने, उस समय मुझे ऐसा ही भान हुआ मानो अल्लाह ने स्वयं ही पृथ्वी पर आकर मेरी रक्षा की। इस कारण यह ग्रंथ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसे थोड़ा धीरे धीरे कम से कम एक श्लोक प्रतिदिन अवश्य पढ़ना, जिससे तुम्हारा बहुत भला होगा। तब श्यामा कहने लगे कि मुझे इस ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका स्वामी रामदासी एक पागल हठी और अति क्रोधी व्यक्ति है जो व्यर्थ ही अभी आकर लड़ने को तैयार हो जाएगा। अल्प शिक्षित होने के नाते मैं संस्कृत भाषा में लिखित इस ग्रंथ को पढ़ने में भी असमर्थ हूँ। श्यामा की धारणा थी कि बाबा मेरे और रामदासी के बीच मनमुटाव करवाना चाहते हैं, इसलिए ही उन्होंने ये नाटक रचा है। बाबा का विचार उनके प्रति क्या था यह उनकी समझ में ना आया। बाबा येन केन प्रकारेण विष्णु सहस्त्रनाम उसके कंठ में उतार देना चाहते थे। वे तो अपने एक अल्पशिक्षित अंतरंग भक्त को सांसारिक दुखों से मुक्त कर देना चाहते थे। ईश्वर नाम के जाप का महत्व तो सभी को विदित ही है, जो हमें पापों से बचाकर कुवृत्तियों से हमारी रक्षा कर जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छुड़ा देता है। यह आत्मशुद्धि के लिए एक उत्तम साधन है जिसमें ना किसी सामग्री की आवश्यकता है और ना किसी नियम के बंधन की। इसमें सुगम और प्रभावकारी साधन अन्य कोई नहीं। बाबा की इच्छा तो श्यामा से साधना कराने की थी, परंतु श्यामा ऐसा ना चाहते थे, इसलिए बाबा ने उन पर दबाव डाला। ऐसा बहुधा सुनने में आया है कि बहुत पहले श्री एकनाथ महाराज ने भी अपने एक पड़ोसी ब्राह्मण से विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करने के लिए आग्रह कर उसकी रक्षा की थी। विष्णु सहस्त्रनाम का जाप चित्त शुद्धि के लिए एक श्रेष्ठ तथा सरल मार्ग है, इसलिए बाबा ने श्यामा को अनुरोध पूर्वक इसके जाप में प्रवृत्त किया। रामदासी बाजार से तुरंत सोनामुखी लेकर लौट आया। अन्ना चिंचणीकर जो वहीं उपस्थित थे प्राय पूरे नारद मुनि ही थे और उन्होंने उक्त घटना का संपूर्ण वृत्तांत रामदासी को बता दिया। रामदासी क्रोधावेश में आकर श्यामा की ओर लपका और कहने लगा कि यह तुम्हारा ही कार्य है जो तुमने बाबा के द्वारा मुझे उदर पीड़ा के बहाने औषधि लाने को भेजा। यदि तुमने पुस्तक ना लुटाई तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। श्यामा ने उसे शांतिपूर्वक समझाया, परंतु उनका कहना व्यर्थ ही हुआ। तब बाबा प्रेम पूर्वक बोले कि अरे रामदासी, यह क्या बात है, क्यों उपद्रव कर रहे हो? क्या श्यामा अपना बालक नहीं है? तुम उसे व्यर्थ ही क्यों गाली दे रहे हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी प्रकृति ही उपद्रवी है। क्या तुम नम्र और मृदुल वाणी नहीं बोल सकते? तुम नित्य प्रति इन पवित्र ग्रंथों का पाठ किया करते हो और फिर भी तुम्हारा चित्त अशुद्ध ही है। जब तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे वश में नहीं है तो तुम रामदासी कैसे? तुम्हें तो समस्त वस्तुओं से अनासक्त वैराग्य होना चाहिए। कैसी विचित्र बात है कि तुम्हें इस पुस्तक पर इतना अधिक मोह है। सच्चे रामदासी को तो ममता त्याग कर समदर्शी होना चाहिए। तुम तो अभी बालक श्यामा से केवल एक छोटी सी पुस्तक के लिए झगड़ा कर रहे हो। जाओ अपने आसन पर बैठो। पैसों से पुस्तकें तो अनेक प्राप्त हो सकती हैं, परंतु मनुष्य नहीं। उत्तम विचारक बनकर विवेकशील हो। पुस्तक का मूल्य ही क्या है और उससे श्यामा को क्या प्रयोजन?
मैंने स्वयं उठकर यह पुस्तक उसे दी थी। यह सोचकर कि तुम्हें तो यह पुस्तक पूर्णता कंठस्थ है, श्यामा को इसके पठन से कुछ लाभ पहुँचे, इसलिए मैंने उसे दी दी। बाबा के ये शब्द कितने मृदु और मार्मिक तथा अमृत तुल्य हैं, इनका प्रभाव रामदासी पर पड़ा। वह चुप हो गया तथा फिर श्यामा से बोला कि मैं इसके बदले में पंचरत्नी गीता की एक प्रति स्वीकार कर लूँगा। तब श्यामा भी प्रसन्न होकर कहने लगे कि एक ही क्यों, मैं तो तुम्हें उसके बदले में 10 प्रतियाँ देने को तैयार हूँ। इस प्रकार ये विवाद तो शांत हो गया, परंतु अब प्रश्न ये आया कि रामदासी ने पंचरत्नी गीता के लिए एक ऐसी पुस्तक जिसका उसे कभी ध्यान भी ना आया था इतना आग्रह क्यों किया, और जो मस्जिद में हर दिन धार्मिक ग्रंथों का पाठ करता हो वह बाबा के समक्ष ही इतना उत्पात करने पर क्यों उतारू हो गया। हम नहीं जानते कि इस दोष का निराकरण कैसे करें और किसे दोष ठहरावें। हम तो केवल इतना ही जान सके हैं कि यदि इस प्रणाली का अनुसरण ना किया गया होता तो विषय का महत्व और ईश्वर नाम की महिमा तथा श्यामा को विष्णु सहस्त्रनाम के पठन का शुभ अवसर ही प्राप्त ना होता। इससे यही प्रतीत होता है कि बाबा के उपदेश की शैली और उसकी प्रक्रिया अद्वितीय है। श्यामा ने धीरे धीरे इस ग्रंथ का इतना अध्ययन कर लिया और उन्हें इस विषय का इतना ज्ञान हो गया कि वह श्रीमान बूटी साहेब के दामाद प्रोफेसर जी नारके MA इंजीनियरिंग कॉलेज पूना को भी उसका यथार्थ अर्थ समझाने में पूर्ण सफल हुए। गीता रहस्य, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म का जो भक्त अध्ययन करते उन्हें बाबा सदैव प्रोत्साहित करते थे। इसका एक उदाहरण है कि एक समय बापू साहेब जोग का एक पार्सल आया जिसमें श्री लोकमान्य तिलक कृत गीता भाष्य की एक प्रति थी, जिसे कोख में दबाए हुए वे मस्जिद में आए। जब वे चरण वंदना के लिए झुके तो वे पार्सल बाबा के श्री चरणों में गिर पड़ा। तब बाबा उनसे पूछने लगे कि इसमें क्या है। श्री जोग ने तत्काल ही पार्सल से वह पुस्तक निकालकर बाबा के कर कमरों में रख दी। बाबा ने थोड़ी देर उसके कुछ पृष्ठ देखकर जेब से 1 रुपया निकाला और उसे पुस्तक पर रख कर जोग को लौटा दिया और कहने लगे, इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते रहो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। श्रीमान और श्रीमती खारपड़े, एक बार श्री दादा साहेब खारपड़े सकुटुंब शिरडी आए और कुछ मास वहीं ठहरे। उनके ठहरने के नित्य कार्यक्रम का वर्णन श्री साईलीला पत्रिका के प्रथम भाग में प्रकाशित हुआ है। दादा कोई सामान्य व्यक्ति ना थे, वे एक धनाढ्य और अमरावती यानी बरार के सुप्रसिद्ध वकील तथा केंद्रीय धारासभा दिल्ली के सदस्य थे। वे विद्वान और प्रवीण वक्ता भी थे। इतने गुणवान होते हुए भी उन्हें बाबा के समक्ष मुंह खोलने का साहस ना होता था। अधिकांश भक्तगण तो बाबा से हर समय अपनी शंका का समाधान कर लिया करते थे। केवल 3 व्यक्ति खारपड़े, नूलकर और बूटी ही ऐसे थे जो सदैव मौन धारण किए रहते तथा अति विनम्र और उत्तम प्रकृति के व्यक्ति थे। दादा साहेब विद्धर्ण्य स्वामी द्वारा रचित पंचदशी नामक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ, जिसमें अद्वैत वेदांत का दर्शन है, उसका विवरण दूसरों को तो समझाया करते थे, परंतु जब वे बाबा के समीप मस्जिद में आए तो वे एक शब्द का भी उच्चारण ना कर सके। यथार्थ में उन्हें कोई व्यक्ति, चाहे वे जितना वेद वेदांतों में पारंगत क्यों ना हो, परंतु ब्रह्म पद को पहुँचे हुए व्यक्ति के समक्ष उसका शुष्क ज्ञान प्रकाश नहीं दे सकता। दादा 4 मास तक उनकी पत्नी 7 मास वहाँ ठहरी। वे दोनों अपने शिरडी प्रवास से अत्यंत प्रसन्न थे। श्रीमती खारपड़े श्रद्धालु तथा पूर्ण भक्त थी, इसलिए उनका साईं चरणों में अत्यंत प्रेम था। प्रतिदिन दोपहर को वे स्वयं नैवेद्य लेकर मस्जिद को जाती और जब बाबा उसे ग्रहण कर लेते तभी वे लौटकर अपना भोजन किया करती थी। बाबा उनकी अटल श्रद्धा की झांकी का दूसरों को भी दर्शन कराना चाहते थे। एक दिन दोपहर को वे सांझा पूरी, भात, सार, खीर और अन्य भोज्य पदार्थ लेकर मस्जिद में आई। और दिनों तो भोजन प्रायः घंटों तक बाबा की प्रतीक्षा में पड़ा रहता था, परंतु उस दिन वे तुरंत ही उठे और भोजन के स्थान पर आकर आसन ग्रहण कर लिया और थाली पर से कपड़ा हटाकर उन्हें रुचिपूर्वक भोजन करना प्रारंभ कर दिया। तब श्यामा कहने लगे कि यह पक्षपात क्यों, दूसरों की थालियों पर तो आप एक दृष्टि तक नहीं डालते, उल्टा उन्हें फेंक देते हैं, परंतु आज इस भोजन को आप बड़ी उत्सुकता और रुचि से खा रहे हैं। आज इस बाई का भोजन आपको इतना स्वादिष्ट क्यों लगा,
यह विषय तो हम लोगों के लिए एक समस्या बन गया है। तब बाबा ने इस प्रकार समझाया, सचमुच ही इस भोजन में एक विचित्रता है। पूर्व जन्म में यह बाई एक व्यापारी की मोटी गाय थी जो बहुत अधिक दूध देती थी। पशुयोनि त्याग कर इसने एक माली के कुटुंब में जन्म लिया। उस जन्म के उपरांत फिर यह एक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुई और इसका ब्याह एक व्यापारी से हो गया। दीर्घ काल के पश्चात इनसे भेंट हुई है, इसलिए इनकी थाली में से प्रेम पूर्वक चार ग्रास तो खा लेने दो। ऐसा कहकर बाबा ने भरपेट भोजन किया और फिर हाथ मुंह धोकर और तृप्ति की चार पांच डकारे लेकर वे अपने आसन पर पुनः आविराजे। फिर श्रीमती खारपड़े ने बाबा को नमन किया और उनके पाद सेवन करने लगी। बाबा उनसे वार्तालाप करने लगे और साथ साथ उनके हाथ भी दबाने लगे। इस प्रकार परस्पर सेवा देख करते देख श्यामा मुस्कुराने लगे और बोले कि देखो तो यह एक अद्भुत दृश्य है कि भगवान और भक्त एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। उनकी सच्ची लगन देखकर बाबा अत्यंत कोमल तथा मृदु शब्दों में अपने श्रीमुख से कहने लगे कि अब सदैव राजा राम का जाप किया करो, और यदि तुमने इसका अभ्यास क्रमबद्ध कर लिया तो तुम्हें अपने जीवन के ध्येय की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तुम्हें पूर्ण शांति प्राप्त होकर अत्यधिक लाभ होगा। आध्यात्मिक विषयों से अपरिचित व्यक्तियों के लिए यह घटना साधारण सी प्रतीत होगी, परंतु शास्त्रीय भाषा में यह शक्तिपात के नाम से विदित है, अर्थात गुरु द्वारा शिष्य में शक्ति संचार करना। बाबा के वे शब्द कितने शक्तिशाली और प्रभावकारी थे जो एक क्षण में ही हृदय कमल में प्रवेश कर गए और वहां अंकुरित हो उठे। यह घटना गुरु शिष्य संबंध के आदर्श की द्योतक है। गुरु शिष्य दोनों को एक दूसरे को अभिन्न जानकर प्रेम और सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों में कोई भेद नहीं है। वे दोनों अभिन्न और एक ही हैं, जो कभी पृथक नहीं हो सकते। शिष्य गुरुदेव के चरणों पर मस्तक रख रहा है, यह तो केवल बाह्य दृश्य मात्र है। आंतरिक दृष्टि से दोनों अभिन्न और एक ही हैं, तथा जो उनमें भेद समझता है वह अभी अपरिपक्व और अपूर्ण ही है। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई।